हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए देखते रहिए अंतस योग। मैं मिसेज जैन, योग विशेषज्ञ। ज़्यादातर महिलाएं अपने बढ़ते वजन के कारण शैटिका पेन से बहुत परेशान रहती हैं, ऐसा ही एक कमेंट आया है। नपुर जी कहते हैं कि शैटिका वाले कैसे वेट लॉस करें। शैटिका पेन से तुरंत राहत पाने के लिए सबसे पहले काम करें, बिल्कुल सीधा लेट जाएं, पीठ के बल अपने राइट लेग को बार बार बाहर की तरफ खोलते हुए थोड़ी देर होल्ड करें। इसी प्रकार दूसरे पैर से अपनी क्षमता अनुसार 8 से 10 बार, इससे आपके पैरों की स्टिफनेस दूर होगी, आपका बैली फैट कम होगा। शैटिका पेन का एक खास लक्षण बता दें, इससे पैरों में कमजोरी की शिकायत रहती है, तो इस प्रकार की दोनों एक्सरसाइज करने से आपके पैरों की कमजोरी जाएगी, साथ ही आपके पैरों का सुन्नपन खत्म हो जाएगा। वैसे ज्यादातर शैटिका की समस्या उन लोगों को होती है जो वजन अधिक उठाते हैं, चाहे अपना शरीर का वजन हो चाहे बाहर का वजन हो, तो कोशिश करें अपना वेट बढ़ने से रोकें। उसके लिए जब बॉडी वार्म अप हो जाए, खड़े हो जाए और धीरे से दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप, सांस को बाहर निकालते हुए आधा हाफ सिटिंग पोस्चर को होल्ड करें। कोर को टाइट करते हुए सांस को बाहर निकालें, पेट को अंदर करें, रिलैक्स। कम से कम 8 से 10 बार इसका अभ्यास जरूर करें। बैली फैट के साथ साथ थाइस को शेप देने के लिए, जो आपको शैटिका पेन में भी बहुत हेल्पफुल होगी। वैसे शैटिका के दर्द का सबसे अच्छा उपचार व्यायाम है, और जिस व्यायाम में एक्सरसाइज में शरीर को आगे या पीछे की ओर खींचना होता है वह ज्यादा लाभदायक होते हैं। ठंडे और गर्म पानी की सिकाई करके भी शैटिका के दर्द को अस्थायी रूप से आराम दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी क्षमता से ज्यादा व्यायाम ना करें। इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अलावा कई योगासन भी हैं जो शैटिका पेन में बहुत लाभदायक हो सकते हैं, जैसे भुजंगासन, अधोमुखी श्वानासन, सुप्त पादांगुष्ठासन। लेकिन यदि आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप इन आसनों को नहीं कर सकते, उससे पहले ये एक्सरसाइज आपको करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम उन आसनों के बारे में बात करेंगे। सांस को बाहर निकाल कर धीरे धीरे पैरों को चलाएं, बहुत ही इफेक्टिव क्रिया। रिलैक्स होकर बैठ जाएं, कुछ देर का विश्राम लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसा कि अभी हमने बताया, अधोमुखी श्वानासन। धीरे से एक पैर को साइड से निकालते हुए मैक्सिमम स्ट्रेच डालें, बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग क्रिया। वापस अधोमुखी श्वानासन, 5 टाइम्स राइट लेग से, 5 टाइम्स लेफ्ट लेग से, अपनी क्षमता अनुसार प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ये सभी एक्सरसाइज आपको एक महीने तक फॉलो करनी है, लेकिन आराम आपको दूसरी या तीसरी क्लास में आ जाएगा। एक बात और, अगर कोई एक्सरसाइज आपसे नहीं हो रही तो उसको जबरदस्ती ना करें, और अपनी क्षमता से थोड़ा सा अपना स्ट्रेच कम ही रखें। आज फिलहाल इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर इन एक्सरसाइज को करने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे।